हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय कुकिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक नए रेसिपी पिज़्ज़ा लेके आए हो, इटालियन सॉसेज पिज़्ज़ा कैसे बनाना है। इटालियन सॉसेज पिज़्ज़ा बनाने से पहले हम डो को बेल लिया, उसमें टोमेटो सॉस लगा दिया। इसके बाद डालूंगा मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ मैं हल्का ही ये करूंगा, क्योंकि आपको जिस हिसाब से खाना है उसी हिसाब से आप ज़्यादा भी चीज़ पसंद है तो चीज़ भी डाल सकते हो। फिर इसके बाद डालूंगा इटालियन सॉसेस। मैंने इटालियन सॉसेस डाल दिया। और हाँ, जिन लोग भी अभी तक लाइक नहीं किया एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। अब वीडियो में एंड तक बने रहिए। जैसा कि हम देख पा रहे हो अब लोग, जो मैं सॉसेस लगा रहा हूँ इटालियन सॉसेस, काट काट के स्लाइस या आते हैं उसको काट काट के डालना पड़ता है। मैंने इटालियन सॉसेस डाल दिया। इसके बाद डालूंगा पिज्जा को ओवन में। 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा पकने के लिए। ओवन में डाल दिया पकने के लिए, 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा। इसके बाद पिज्जा को एक बार घुमा लेता हूँ, क्योंकि जिस साइड कलर हुआ उस साइड दूसरा साइड फ्राई करते हैं। इसका पिज्जा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, गोल्डन कलर हो चुका है। देख पा रहे हो आप लोग, चीज़ भी मेल्ट हो चुका है। इसके बाद डालूंगा इटालियन पार्सले। इसके बाद डालूंगा फेयर रोस्टेड चिली। पिज्जा को काट लेता हूँ। पिज्जा काट के तैयार हो चुका है, पिज्जा हमारा बिल्कुल रेडी है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।